हेलो दोस्तों, इस लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, भोजपुरी राज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भोजपुरी में अभी देशभक्ति मूवी का खुमार उतरा ही नहीं कि अगली मूवी का डेट अनाउंस कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पवन सिंह के नई आने वाली देशभक्ति मूवी माँ तुझे सलाम के। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का रिलीज डेट 15 अगस्त रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस मूवी में पवन सिंह के अपोजिट मधु शर्मा और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अक्षरा सिंह और पवन सिंह में बीते कुछ दिनों अनबन की खबर थी, मगर कहा जा रहा है कि इस मूवी में अक्षरा सिंह और मधु शर्मा दोनों पवन सिंह की माँ तुझे सलाम में नजर आएंगी। दोस्तों, अगली खबर फिल्म वांटेड की है। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह के पिछली फिल्म वांटेड का एक गाना पलंगिया सोने ना दिया को यूट्यूब पर 4 दिनों में 53 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वेब म्यूजिक की तरफ से इस गाने का वीडियो वर्जन रिलीज़ किया गया था और जिसे 4 दिन में 53 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं और यह 2018 का भोजपुरी का सबसे हिट गाना साबित हुआ है। दोस्तों, अगली खबर जो सामने आई है वह है फिल्म दबंग सरकार का एक गाना नवरत्न तेल। दोस्तों, खेसारी लाल यादव और काजल लगवानी पर फिल्माया गया गाना नवरत्न तेल को यूट्यूब पर यासिक म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल पर रिलीज़ किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें महज 2 दिन के अंदर इस गाने को 35 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें इस मूवी के ट्रीजर ने ही भोजपुरी में तहलका मचा रखा और इस गाने को देखते हुए कहा जा रहा है कि यह मूवी भोजपुरी की सबसे बड़ी मूवी साबित होगी। दोस्तों, अगली खबर जो सामने निकल के आ रही है वह है फिल्म जीना तेरी गली 2 के सेट से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चिंटू आर पांडे और सिपा सिंह का एक फोटो इन दोनों काफ़ी वायरल हो रहा है, जो कहा जा रहा है कि यह फोटो जीना तेरी गली 2 के सेट से रिलीज़ हुई है। हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसमें दोनों काफ़ी रोमांटिक लुक में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह फोटो किसी गाने की शूटिंग की है। दोस्तों, आपको बता दें जीना तेरी गली की अपार सफलता के बाद इसके अगले वर्जन 2 की शूटिंग की जा रही है। दोस्तों, ऐसी ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।